आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चौरी चौरा गोरखपुर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के द्वारा शहीद स्मारक के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में कुल 30 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SDM अनूप मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि किसी भी कार्य में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका होती है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रेस क्लब के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, जो सराहनीय है। इस अवसर पर सुनील गुप्ता, तहसील अध्यक्ष अनिल वर्मा, रंजीत जायसवाल, कैलाश बर्नवाल, शशि जायसवाल, राजेश वर्मा, आशुतोष पांडे, रामानंद पांडे, संजय कश्यप, मुंजेश प्रजापति, हरीश राज सहित प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत से ऋषिकेश निषाद की खास रिपोर्ट। किस तरीके का कार्यक्रम था आपने? चौरी चौरा शहीद स्मारक पर पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हम उन चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, जो क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं और जो महिला डॉक्टर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने कोरोना काल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनको सम्मानित किया, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि नेक्स्ट टू गॉड, डॉक्टर्स नेक्स्ट टू गॉड होते हैं। और डॉक्टर्स ने जिस तरह से कोरोना काल में अपना पूरी समर्पण की भावना से, जिस तरह से लोगों की जान बचाने के लिए अपनी ताकत लगाई, ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करके अपने आप को स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल का भी एक योगदान है। हमेशा हर कार्यक्रम में उनका सहयोग मिलता रहता है। और पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रचनात्मक कार्य आज तक करता चला आया, चाहे खेलकूद की दिशा में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, या हम लोगों ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने बेहतर काम किया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा मान सम्मान के लिए हम लोगों ने हर विद्यालयों में जाकर के और बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, किस तरह हो, उनको जागरूक किया है। आगे भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि हमारा प्रेस क्लब रचनात्मक कार्य और बेहतर करता रहे, और ताकि हम एक माइलस्टोन बन सके और एक ऐसा कदम रखें कि जो एक निशान बने। और वो कदम हमारा होगा कि हम पत्रकारिता के साथ अलग हट करके हम समाज सेवा में बेहतर दिशा दे पाएँ, बेहतर कदम दे पाएँ, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी, जैसे समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा ये संदेश है कि जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, उन सभी लोगों को अगर एक मंच पर अगर उन्हें सम्मानित किया जाए तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। इस वजह से ये हमारा संदेश है कि हमेशा कोई भी काम अगर अच्छा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।